लोटस LT 6000 प्रो मिक्स नॉट काउंटिंग मशीन, इसका एक छोटा सा डेमो कैसे यूज़ करना है, क्या क्या फंक्शन है। इसमें साइड डिस्प्ले दिया गया है, साइड में बटन भी दिए गए हैं। इसकी सबसे मेन खास बात है कि पूरी पैनल जो बटन दिख रहे हैं, बटन नहीं एक्चुअली टच पैनल है, इसको हम सिर्फ टच करेंगे और ये यूज़ ऑपरेट हो जाएगा। शॉर्ट डिटेक्ट मोड, काउंट मोड, मिक्स मोड, इसके अंदर मल्टी करेंसी भी दिया गया है, USD, यूरो, INR। आइए इसका एक छोटा डेमो देखते हैं ये कैसे वर्क करेगा। E67 और E10 कुछ भी लिखा हुआ आया तो वो नोट नकली रहेगा। इसने 193 पीस गिना है, 45,010 रुपीज़ काउंटिंग कर लिया है वैल्यू, कौन कौन सी डिनोमिनेशन थी सब ब्रेकआउट कर दिया है यहाँ पे। 2000 का जो फेक नोट आया था वो इसने पीस में वैल्यू में कहीं पे भी काउंटिंग में नहीं लिया है, दैट मीन्स ये 2005 पहले का भी अगर कोई नोट आया तो वो उसको काउंटिंग में नहीं लेगा। इसके अंदर बैच का फंक्शन नहीं दिया गया है, बैच आप डायरेक्ट बना सकते हैं बाई कीपैड यहाँ पे। अगर मुझे मिक्स के अंदर बैच बनाएंगे हम लोग तो ये वैल्यू निकालेगा 4500, ये सिर्फ 4500 रुपये गिन के निकालेगा, बट एक ही डिनोमिनेशन में ही वर्क करना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट डिनोमिनेशन में ही वर्क नहीं करेगा। शॉर्ट मोड में एक नंबर ऑफ पीस गिनेगा, 45 पीस हुआ, डिटेक्ट मोड में भी 55 पीस हुआ, और काउंट में ये 55 पीसीज हुआ, बैच मिक्स में वैल्यू गिनेगा। अब ये फंक्शन में क्या रहेगा, शॉर्ट, शॉर्ट क्या काम करता है कि अगर मैं 500 की नोट गिन रहा हूँ और बीच में 100-200 की कोई नोट आ गई तो मशीन उसको रोकेगा कि भाई यह अंदर 100 की नोट है, या फिर देखना है जो आखिरी नोट गिरा है उसका कलर डैमेज हो गया है जिसकी वजह से वो 100 का नोट गिन रहा था। अभी आप देख सकते हैं 63 पीस 500 का गिना है, 500 वैलिड करेंसी है, 100 का नोट जो था उसको इसने काउंटिंग में लिया नहीं है। डिटेक्ट मोड इसमें क्या करेगा ये कि 100 पीसेस भी गिनेगा पूरे और डुप्लीकेट नोट आएगा तो भी ये उसको डिटेक्ट करेगा और गिन लेगा। काउंट मोड, काउंट मोड के अंदर ये मशीन ना डुप्लीकेट पकड़ेगा ना 2005 पहले की पकड़ेगा, ये जस्ट नंबर ऑफ पीस काउंटिंग।